ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कन्फर्म तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, मैंने जो आज टिकट बुक किया हूँ बख्तियारपुर से न्यू दिल्ली के लिए श्रमजीवी एक्सप्रेस में। तो मैंने ये टिकट कैसे बुक किया हूँ IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, वो भी विदाउट लॉग आउट। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है जब भी हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो हमारा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप जो है लॉग आउट हो जाता है, या जब हम पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूं और इसके बाद हम बात करेंगे आप लोग को क्या करना है और मैंने ये टिकट कैसे बुक किया। तो सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद लॉग इन पर क्लिक करते हैं। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद IRCTC यूजर आई डी और पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चर फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद माई बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के डेट में ही मैंने टिकट बुक किया हूँ बख्तियारपुर टू नई दिल्ली के लिए। आप देख सकते हैं बुकिंग डेट 25 जून 2021 शो कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ जोनी जो है 26 जून का है, यानी कि आज बुक किया हूँ और कल के डेट पर मैं ट्रेन में बैठूँगा। तो मैं क्लिक भी कर देता हूँ। आप लोग सोच रहे हो ये टिकट कंफर्म है या फिर वेटिंग है, तो आप देख सकते हैं मैंने जो टिकट बुक किया था लेकिन प्रीमियम तत्काल में बुक किया हूँ, तब जाके ये टिकट कंफर्म बुक हुआ है। और इसके बाद मैं इस टिकट के लिए 3 से 4 दिन से लगातार परेशान था, लेकिन फाइनली ये टिकट हमने बुक कर लिया हूँ। और देख सकते हैं सीट भी हमारा मिल चुका है, अपर बर्थ और मिडिल बर्थ मिला है। तो लेकिन ये जो टिकट मैंने बुक किया हूँ तो कैसे किया हूँ, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता जाता है जो ट्रेन टिकट में बुक करने में जो प्रॉब्लम आ रहा है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC की वेबसाइट से, जो कि हमारा पेज जो है, यानी कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC की वेबसाइट जो है, तत्काल टिकट बुकिंग टाइम हमारा पेज जो है लॉग आउट हो जाता है, या फिर पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है, या फिर जैसे हम सर्च ट्रेन पर क्लिक करते हैं 11:01 में तो हमारा जो जिस ट्रेन में टिकट बुक करना होता है वो सीट ही शो नहीं करता है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सबसे पहले आप लोगों को रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है और आप लोगों को अपने यूजर आईडी बताना है और वहां से आप लोगों आईडी को रिफ्रेश करा लेना है। रिफ्रेश कराने से आप लोगों को टिकट बुक करके देखना है टिकट बुक हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आपको इसी प्रकार के प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को क्या करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी बनाना है और उसी ईमेल आईडी से आप लोगों को एक IRCTC न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं जब भी IRCTC अकाउंट बना रहे तो उनके पास जो पुराना ईमेल आईडी होते हैं उसी ईमेल आईडी से ही IRCTC अकाउंट क्रिएट कर लेता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो सिंपल आपको न्यू IRCTC अकाउंट क्रिएट कर लेना है। न्यू IRCTC अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट कैसे बुक करना है, किस समय लॉगिन करना है, पेमेंट ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना है, मास्टर लिस्ट में आपको पैसेंजर डिटेल पहले से सेव करके कैसे रखना है, इस टॉपिक को मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में या फिर वीडियो के इन स्क्रीन में मैं इस वीडियो का लिंक के बाद वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद इजीली आप लोग तत्काल टिकट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।